और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, यहां पर सैमफोर्ड अस्पताल में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। खुलेआम गुंडागर्दी यहां पर अस्पताल में हुई है। अस्पताल कर्मी ने परिजनों के साथ धक्का मुक्की की है। बता दें आपको, सैमफोर्ड एक निजी अस्पताल है और लगातार विवादों में रहा है। अब एक बार फिर से सैमफोर्ड प्रबंधन की गुंडागर्दी सामने आया। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद यहां पर पैसे लिए गए मरीज से और 2 लाख का बिल बनाया गया था। जब परिजनों की ओर से बताया गया कि आयुष्मान योजना के तहत वो आच्छादित हैं, इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैसों की मांग की गई और जब उल्टे यहां पर प्रबंधन की ओर से धक्का मुक्की की गई। और तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहीं के सुरक्षा कर्मी है, वहीं के प्रबंधन से जुड़े लोग हैं ये लोग, और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ यहाँ पर। अस्पताल प्रबंधन को सोचना चाहिए कि ये परिजन है, ये मरीज के परिजन है, यही पैसे देते हैं तो आप पैसे कमाते हैं, ये बात सोच लेना चाहिए हर अस्पताल को, और ध्यान से सोच लेना चाहिए, कान खोल कर सुन भी लेना चाहिए। अगर मरीज आपके पास ना पहुंचे तो आपकी औकात कुछ भी नहीं रहेगी। लिहाजा ऐसे में एक पेशेवर के तौर पर आप पेश आए उन मरीजों से, मरीजों के परिजनों से, और फोनलाइन पर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए सत्यव्रत के हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। सत्यव्रत, निश्चित तौर पर ये गुंडागर्दी और अस्पताल वाले आके सोचते क्यों नहीं है कि एक मरीज उनके पास पहुंचते हैं तभी उनका अस्पताल चलता है, बावजूद ये गैर पेशेवर रवैया? बिल्कुल, तस्वीरों में जो आपको दिख रहा होगा पंकज, की सैमफोर्ड अस्पताल के कर्मचारी है और किस तरह से जो परिजन है, जो आपको उचित परिजन है, जो की अपने मरीज को लेकर सैमफोर्ड अस्पताल पहुंचा था इलाज के लिए, परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि उसके पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिजन है वो आयुष्मान योजना के तहत अपने मरीज का इलाज कराना चाहते थे। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जिस तरह की बीमारी है मरीज को, मरीज के फेफड़े के पास जो है वो छेद था, उसी के इलाज के लिए उसे सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने कहा कि फिलहाल जो है उसके इलाज में पैसे खर्च होंगे और लगातार करीब 2 लाख रुपए का जो बिल है वो सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन ने बनाया था। परिजनों ने कहा कि करीब 1,40,000 रुपए जो है वो सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन को दिए गए और उसके बाद परिजन यह मांग कर रहे थे सैमफोर्ड अस्पताल के लोगों से कि उनका जो इलाज है वो आयुष्मान योजना के तहत हो, क्योंकि लगातार जो पैसे हैं वो लग रहे हैं, परिजन सक्षम नहीं है उतना पैसे देने में, और उसके बाद जो माहौल है वो बढ़ जाता है। कर्मचारियों की जो तस्वीर में दिख रही है कि किस तरह से जो परिजन है उन्हें बाहर कर दिया जाता है अस्पताल से। सैमफोर्ड प्रबंधन से भी हमारी बात हुई, वो जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है सैमफोर्ड अस्पताल के, जो परिजन को धक्का देकर बाहर कर रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो परिजन है वो अस्पताल में हंगामा कर रहे थे और वैसे में जो अस्पताल में दूसरे मरीज भर्ती हैं उन्हें यह परेशानी हो रही थी, इसलिए उस आक्रोशित व्यक्ति को, परिजन को अस्पताल के बाहर किया गया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है उस पर लगातार परिजन आरोप लगाते हैं पैसे ज्यादा लेने का, आयुष्मान योजना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए, और पूरा जो अपडेट है वो आप लें और जल्दी हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी तमाम लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। और इस